पूरा जंगल है ये, ज़्यादा ठंड है यार यहाँ पर तो। दिस इज़ द स्टेशन। पहले ये रोड है ना, इट वॉज नॉट दैट गुड, अभी बंदर ही बंदर है यहाँ पर तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स पालघर फ्रॉम अंधेरी एज ऑफ नाउ, और मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग बना ले इसी टाइम पे, बिकॉज बहुत दिन हो गए कुछ बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा यही छोटा सा एक राइड है, वहाँ पे मुझे काम है कुछ, तो मैंने सोचा व्लॉग भी बना ले, तो दैट्स व्हाट इट इज़। एंड अभी मैं ये बना रहा हूँ राइड पे, और वहाँ पर केलवे बीच है और बहुत सारे बीच है पालघर सिटी में, तो ऑलमोस्ट 5 बीचेस है। पालघर इज़ एक्चुअली आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, यू कैन से टुवर्ड्स गुजरात, एंड नाउ इट इज़ डिस्ट्रिक्ट कैपिटल ऑल्सो। तो वहाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर करीब 5 बीचेस है, तो वहाँ पर हम लोग आज मैं प्लान कर रहा हूँ केलवे बीच जाऊँ, और मुझे वापस भी आना है। वापस आते आते बहुत ज़्यादा लेट भी हो सकता है, बिकॉज़ हाईवे पे ना ट्रैफिक भी लगता है यहाँ पे टुवर्ड्स अहमदाबाद रात के टाइम पे, यूजली अभी भी लगता है, आई थिंक अभी भी यहाँ पर नियर फाउंटेन वहाँ पर ट्रैफिक लगता है। देखते हैं ट्रैफिक है कि नहीं आज। ऑलरेडी मुझे ना बहुत जल्दी जाना था, बट आई गॉट लेट, तो अभी ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं। नाउ आई हैव रीच्ड ऑलमोस्ट नियर दहीसर चेक नाका, और उसके बाद मीरा रोड है। तो आई लाइक दिस हाईवे, दैट इज़ बिकॉज यहीं से होके हम लोग नॉर्थ की तरफ जाते हैं टूवर्ड्स गुजरात एंड अदर प्लांट्स, यू नो लाइक राजस्थान और पंजाब। तो दिस इज़ द हाईवे। तो सून आई एम गोइंग ऑन अ राइड टू कच्छ एंड जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और इवन अमृतसर, लेट्स सी। मगर ये सब जगह जाना है, स्पेशली टू कच्छ एंड जैसलमेर, तो ये सब प्लान है, तो देखते हैं। अभी फाउंटेन क्रॉस किया है, तो यू कैन सी द ट्रैफिक हियर। तो ये भाइंदर खाड़ी वसई क्रीक है, वाओ लुक एट दिस, सच एन अमेजिंग, यू कैन सी ऑल दिस बर्ड्स। सो यू कैन सी बोट्स, छोटे छोटे बोट्स है, ये बंदर है, दैट इज घोड़े बंदर। तो ये नया रोड बन रहा है यहाँ पे ऊपर से, ये बन गया तो ट्रैफिक पूरा कम हो जाएगा, इट विल बी वेरी इजी। तो ऐसे हाईवे पे ना बाइक चलाने में बहुत मज़ा आता है। तो लुक एट इट, मतलब बहुत ही मस्त फील है, ठंडी ठंडी हवा और खुले खुले रोड। यहाँ पर उतना खुला रोड भी नहीं है, ट्रक्स और ये सब है, गाड़ियाँ हैं, बिकॉज वी आर इन सिटी लिमिट्स, मतलब आउटस्कर्ट्स में ही है, बट देन स्टिल मुंबई आप जानते हो, कहीं पर भी जाओ ट्रैफिक रहता ही है। तो विरार तक ऐसे ही रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा ट्रैफिक पूरा। कच्छ दरबार यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं चाय ब्रेक ले रहा हूँ, चाय दे दो और चाय भी देना। तो चाय, ओ अभी यहाँ पे लिखा है नायगांव, नायगांव इज़ अबाउट 5 किलोमीटर्स, अभी विरार 23 किलोमीटर्स है, दानू 94 किलोमीटर्स है। ओ हो, तो वी आर इन नायगांव ऑफिशियली, नायगांव का हाईवे है अभी। नायगांव में बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं, यू नो आउट ऑफ सेट्स जो लगते हैं, जैसे कि सीरियल्स शूट होते हैं, वो बहुत सारे जो वो सीरियल्स है, लाइक बाबी जी घर पे है और बहुत सारे यू नो सीरियल्स अभी मैक्सिमम नायगांव में शूट होते हैं, और इस तरफ बहुत सारे स्टूडियोज हैं हाईवे के इस तरफ।
तो ये जाता है नायगांव स्टेशन सीधा कंटेनर, हाँ बड़ा ट्रक। तो ऐसे हम जाएंगे वसई रोड टू वसई स्टेशन, कभी तो वसई के अंदर नहीं जा रहे हैं। करीब यहाँ से 10 किलोमीटर विरार फाटा है, तो अभी विरार फाटा पहुँच गए हैं। तो विरार यहाँ से लेफ्ट साइड लेना है हमको, सो यू कैन सी 10 किलोमीटर्स इस तरफ, दैट इज़ विरार स्टेशन। तो यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो विरार स्टेशन पहुँचेंगे। मोस्टली लोग विरार आने के लिए दे कम बाई ट्रेन ओनली, विरार या पालघर या दानू। वेरी फ्यू पीपल कम बाई रोड बिकॉज इट इज़ थोड़ा सा दूर पड़ता है, मगर ट्रेनर्स मोस्टली लोग लोकल ट्रेन लेते हैं। यहाँ से पालघर के लिए एक लेफ्ट साइड रोड भी है, देयर इज अ लेक ऑल्सो, वेरी फेमस लेक, देख सकते हैं। फर्स्ट टोल, ये टोल है आफ्टर विरार। लास्ट टाइम व्हाट आई रिमेंबर व्हेन आई केम हियर, इट वाज रेनिंग वेरी हैवीली, जब लद्दाख जा रहा था तो सब जगह पानी पानी भर गया था। ओहो, केसरिया। तो अभी यहाँ से मानूर है 15 किलोमीटर्स। हाँ, तो यहाँ से भी आप जा सकते हो पालघर, दैट इज़ वाया केलवे बीच। तो वैसे मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फ्रॉम मानूर, क्योंकि वो रास्ता जो है ना, ये पूरा घाट है और बहुत ही छोटा रास्ता है चिंग मस्ता नाका। So you can see such a beautiful temple system. तो यहाँ पर मस्ताना का आ गया ऑलमोस्ट, दिस इज सूर्य रिवर आई सपोज, और आई थिंक यहाँ तो एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ से हम जाएंगे टुवर्ड्स पालघर स्टेशन, गो टूवर्ड्स वाडा, और ऐसे जाएंगे हम लोग पालघर की तरफ। So like this we go towards Palghar station. So this is Mastan Naka. उसके बाद अभी मनोर आएगा in some time. So यहाँ से left लेके straight towards Palghar. यहाँ से Palghar station है करीब 18 किलोमीटर। Now I have reached Manor. So this is Manor. तो यहाँ पर ये घाट सेक्शन है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं मगर थोड़ा सा है घाट सेक्शन। यहाँ पर इतने सारे बंदर है, हो लुक एट दिस, सो पूरे बंदर ही बंदर यहाँ पर। बहुत सारे बंदर हैं, ये रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। हो कितने सारे बंदर। Now I have reached Palghar. तो ये ईस्ट वेस्ट का फ्लाई ओवर है और यहाँ से स्टेशन जाते हैं ईस्ट साइड स्टेशन। तो मेन सिटी जो है ना वो वेस्ट साइड में है, ईस्ट साइड में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ देयर ऑन द वेस्ट साइड। तो नीचे रेलवे ट्रैक है, वेस्टर्न लाइन,
तो इस तरफ बोईसर दानू एंड जिस तरफ बोरीवली विरार मुंबई, तो ये रोड लेफ्ट साइड जाता है टुवर्ड्स स्टेशन। हम लोग अभी थोड़ा स्ट्रेट जाने वाले हैं। सो नाउ आई एम इन पालघर, अभी यहाँ से निकल रहा हूँ टुवर्ड्स मुंबई। सो ये रात का टाइम है। दिस इज़ पालघर सिटी, पालघर वेस्ट। अभी स्टेशन के पास का ये जगह है। तो बहुत सारे दुकानें हैं यहाँ पे। दिस इज़ पांच बत्ती सिग्नल, ओके। सो दिस इज़ माइम रोड विच गोज़ टू द बीच, बीच की तरफ। तो ये है बस स्टैंड। दिस इज़ द स्टेशन, नॉट बस स्टैंड, बस स्टैंड भी है। दिस इज़ द स्टेशन एरिया। यहाँ पर ना दुकानें थोड़ा जल्दी बंद हो जाती है। अभी बज रहे हैं शाम को 8 बजे। तो दिस इज़ पालघर स्टेशन। पहले ये रोड है ना, इट वॉज नॉट दैट गुड, अभी बहुत ही खूबसूरत रोड बना है। तो ये है पालघर स्टेशन। तो हम आते हैं यूजुअली तो ऐसे आते हैं, बिकॉज इट मेक्स मोर सेंस, यू नो। तो हम लोग यूजुअली यहाँ पर आते हैं। सो दिस इज़ द बस स्टैंड कम एंड दिस इज़ द स्टेशन। सो यहाँ से यू कैन गो एनी वेयर इन द वेस्ट। स्ट्रेट रोड आप स्ट्रेट जाएंगे तो दिस माहिम रोड। यहाँ पर ऐसे अंदर मार्केट भी है, बहुत बढ़िया मार्केट। वाओ। सो दिस आर ऑल शॉपिंग मॉल्स एंड स्ट्रीट फूड इज़ वेरी नाइस हियर। वड़ा पाव आर अमेजिंग, व्हाट यू गेट, उडुपी वेजिटेरियन होटल। अच्छा, यहाँ पे मैं कभी गया नहीं हूँ, जाना चाहिए। नाइस सदगुरु। ऐसे स्ट्रेट जाएंगे तो इट इज़ माहिम, माहिम रोड, केलवे रोड, केलवे स्टेशन है, सॉरी केलवे बीच है। शिरगांव बीच भी जा सकते हैं ऐसे आगे से राइट लेके। तो अभी वहाँ नहीं जाएंगे हम लोग, अभी वापस जाएंगे टुवर्ड्स मुंबई। नाउ लिविंग फ्रॉम पालघर। तो दिस रोड गोज़ टू द ईस्ट वेस्ट फ्लाईओवर और वहाँ से हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स द हाईवे। और बहुत ही मुझे लगता है बहुत सुनसान हाईवे रहेगा, मतलब बिफोर हाईवे। हाईवे भी उतना सुनसान नहीं है, हाईवे इज़ ओके, बट देन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रोड है जो कि घाट है, जंगल है थोड़ा सा। सो वहाँ पर थोड़ा सा आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग ऑन दिस रोड, तो कैसा रहेगा आई डोंट नो। So we came on the main road. This is Manohar Mahim Road. नीचे पटरी है, so you can see the train there. तो यहाँ पर स्टेशन है। तो हम लोग अभी ईस्ट वेस्ट फ्लाई ओवर चढ़ के जा रहे हैं उस तरफ। तो यहाँ पर ट्रेन में आना सही रहता है रात को और एनी टाइम। लोकल ट्रेन से मुंबई से फ्रॉम अंधेरी। तो ये है रोड पूरा सुनसान टिल द हाईवे। सो 18 किलोमीटर का ये रोड है टिल हाईवे फ्रॉम पालघर टू द हाईवे साइड। पूरा जंगल है ये और कोई भी नहीं है, यू नो। एंड इतनी ज़्यादा यहाँ पर ठंड भी है। ज़्यादा ठंड है यार यहाँ पर। तो कहीं कहीं आपको गाड़ियाँ दिख जाएंगी ये टाइम पे, वरना तो कुछ नहीं है, ज़ीरो। एंड दिस इज़ अ नेशनल हाईवे,
you know, it goes to Nasik and all. Now I have reached the highway. This is Western Express Highway. Left side up Ahmedabad Jogi, right side Mumbai. So just crossing this. So finally reached highway. So yahan se seedha towards Andheri, Mumbai. So Mumbai is 104 kilometers from here. Mumbai matlab, that is Mumbai Central. And Andheri will be about you know 80 kilometers approximately, 80 to 90. Abhi ye highway pe raat ko sirf aapko trucks dikhenge. It's everywhere, you know, trucks. Peeche bhi trucks hai, aage bhi trucks hai, sab jagah. And it is damn cold, man. मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, बट इट्स वेरी वेरी कोल्ड. और पीछे से कार्स भी आ रहे हैं बहुत ही तेज़. मगर ट्रक से ना थोड़ा सा गर्मी वाला, गर्मी फील हो रही है मुझे बिकॉज ऑफ दैम. तो ऐसा रहता है माहौल. देर आर ओनली ट्रक्स, कुछ कार्स भी हैं. पूरा अंधेरा ही अंधेरा. बहुत ठंड यार, बहुत बार रुकना पड़ रहा है. आई एम जस्ट वेयरिंग अ शर्ट, कुछ नहीं उसके बाद. नाउ वी रीच दिस टोल प्लाजा. ये टोल प्लाजा विरार से पहले आता है इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम पालघर साइड. यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे फिर चलते हैं आगे चाय कॉफ़ी पी के, बिकॉज इट्स डैम कोल्ड. नाउ क्रॉसिंग वसई. पूरा ट्रैफिक जाम है यहाँ पे. देर आर ओनली ट्रक्स. अभी अभी कार्स भी दिख रहे हैं मुझे. Now I have reached Borivali. So it is very beautifully decorated. Western Expressway is this is Western Express Highway. So beautifully decorated. Abhi hum left side yahan niche se jayenge. So this is the national park. So now I have reached Andheri. So I'm done for the day. So hope you like this small vlog. And I'll see you in the next video. You guys take care. Bye bye.